नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की द्वारा काले सागर में नए प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे जाने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ड्रिलिंग जहाज फाते पर सवार हुए और उन्होंने आधिकारिक तौर पर प्राकृतिक गैस के भंडार की नई खोज की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये प्राकृतिक गैस का भंडार कितना बड़ा है, हम आपको खबर विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है हेलीपैड, और ये हेलीपैड किसके ऊपर है, ये है ड्रिल जहाज फाते के ऊपर। ये आसपास जो आप देख रहे हैं ये काला सागर है, इसी काले सागर में प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है तुर्की ने। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर रजब तैयब एर्दोगान अपने हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। देखिए रजब तैयब एर्दोगान हेलीकॉप्टर से उतर गए हैं और उनके आसपास काफी उनके सहयोगी मौजूद हैं। आप ये लाल ड्रेस में जो देख रहे हैं ये क्रू मेंबर हैं जहाज के, जो इस खोज अभियान में जुटे हुए हैं, दिन रात खोज कर रहे हैं काले सागर में गैस भंडार की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अब रजब तैयब एर्दोगान उतर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाज के, और इनके साथ ही क्रू मेंबर, उनके सहयोगी भी और कैमरामैन भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने हैं, वो सब जा रहे हैं साथ में नीचे। अब रजब तैयब एर्दोगान देश को संबोधित करते हुए बताएंगे कि जो उन्होंने काले सागर में गैस का भंडार खोजा है वो कितना बड़ा है। और ये पूरी तुर्की की टीम है जो ड्रिल जहाज में अभी इस समय मौजूद है। अभी 2 महीने पहले मिले काले सागर में प्राकृतिक गैस के भंडार के बाद अब तुर्की को एक नया नेचुरल गैस का भंडार हाथ लगा है। अगस्त में मिला भंडार 320 बिलियन क्यूबिक मीटर था और अब 85 बिलियन क्यूबिक मीटर का भंडार तुर्की ने खोज निकाला है। इसी के साथ ही भंडार 405 बिलियन क्यूबिक मीटर तक बढ़ गया है। ये जानकारी खुद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने दी। एर्दोगान ड्रिलिंग कर रहे जहाज फाते पर पहुंचे और दुनिया भर को इसके बारे में जानकारी दी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि हमने काले सागर में जो गैस का भंडार खोजा है वो आज तक का सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन संसाधन है। एर्दोगान ने कहा कि फाते जहाज द्वारा इस क्षेत्र में चल रही खोज से उन्हें अच्छी खबर की उम्मीद है, जिसमें 20 जुलाई को 320 बिलियन क्यूबिक मीटर का भंडार पाया गया था। रजब तैयब एर्दोगान ने ड्रिलिंग जहाज फाते पर अपने दौरे के दौरान कहा कि ये खोज 14,583 फीट मीटर की गहराई के बाद आई थी। एर्दोगान ने कहा कि ट्यूनावन कुएं में प्राकृतिक गैस भंडार की मात्रा कुल 405 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि प्राकृतिक गैस भंडार की खोज से तुर्की की बाहरी निर्भरता काफी हद तक घट जाएगी। एर्दोगान ने कहा कि काले सागर और भूमध्य सागर में प्राकृतिक ऊर्जा के लिए तुर्की की खोज जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कासिफ नाम का रोबोट सैकड़ों मीटर की गहराई तक बिजली की कमी को दूर करेगा और रिमोट कंट्रोल से इसकी फुटेज प्राप्त की जाएगी। ड्रिल जहाज में निरीक्षण के दौरान एर्दोगान के साथ उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री, संचार निर्देशक और राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम कलीन भी मौजूद थे। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत।